हमारे राजोरा में दो तरह के लोग रहते हैं, एक जो अपने काम में पड़े रहते हैं और दूसरे रामों की टपरी पे। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे डिस्कम टाणे करते हैं। डिस्कम टाणे करते हैं क्या इससे जीत के रहेंगे तारा भाई जोगिंदर। लेकिन हमारा कुछ ऐसा परफेक्ट नहीं है, हम पड़े रहते हैं सेठ की रूम पे। क्योंकि भैया अर्घ क्या है, अर्घ खाने वाले के पेट होते हैं और जिनका कोई नहीं होता उनके सेठ होते हैं। चल घंटिया वीडियो चालू कर। शहर बड़ा अपनी जेब में पड़ा खुला राज है बस क्या, उंगली ये ट्रिगर पे है डेयरिंग बीच घर में है अपनी थाट है बस क्या। ओ अपना टाइम है ऐश कैश भी जबरदस्त है अंडरग्राउंड हर चीज का यहाँ बंदोबस्त है। हमारे राजूरा में अमल नाला और मानिकगढ़ छोड़ा तो घूमने लायक बहुत किनी चुनी जगह है, मतलब कुछ भी नहीं। और यही वजह है कि आज हम जंगल में भटक रहे हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस ये फेंक दिया, ये भाई चश्मा बाद गिन डाला तुमने। तीर छिन्नी गाये बदन पे सितारे लपेटे हुए के जाने तपना किधर जर रही हो जरा। वेले मतलब पता है, जिसे मराठी में बिन कमाचा ढोर भी कहा जाता है। हाँ वो हमें पता नहीं क्या करने आए हैं, बस बड़े जा रहे हैं। तू मेरी ले मैं तेरी लेता हूँ फोटो। चंद्रपुर की धूप में न्यू ईयर के दिन भारी दोपहर में लोग क्या करेंगे, 31 का हैंग ओवर उतारने के लिए सो जाएंगे। लेकिन नहीं, दुनिया भुला के इनकी नौटंकी यही चलती रहेगी। लेट द गर्ल्स थिंक व्हाट डू मेन डू व्हेन दे आर अलोन। देख लो रा वर ठेव तो लागला। मानता हूं कि हम सभी बकलोले, पर आपने देखा होगा हर ग्रुप में वो एक बंदा होता है जो सबसे बेसुरे आदमी को भी कोरस देता है। हमारे यहाँ वो पावला है। नहीं समझ आया? देखो दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। जुब 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 जुब। इतना ही नहीं, हम लोगों में कीड़े भी दुनिया भर के भरे हैं। आप हमें टेरिस देखने भेजोगे, हम आपकी टंकी देख के आएंगे। हमें ना कोई शाहरुख है और ना ही कोई सलमान। जैसे भी है, इस कहानी के हम हीरो है। काका बाय बाय। बिलकुल तिथं हेलिकॉप्टर उतरत तिथं मंदिरावर स्कूटी स्कूटी दिसतंय ना। नाही मंदिरावर नाही, मंदिरावर कॅन्ट बरोबर नाही, स्कूटी जवळ बरोबर उतर। कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटकते रहते हैं। हार हमारी फितरत है, पर हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।
पटरियों से नीचे हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा था। अब ऐसा थोड़ी होगा कि कोलंबस को किनारा दिखाई दे और वो पीछे लौट जाए। और कोलंबस है रहा हमारा चाचा। हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। पास जाकर देखा तो वहां ताला लगा था। वही बगल में एक पेड़ के नीचे हम बैठ गए। साथ बैठकर हम लोग नए पुराने किस्से सुनाने लगे और उसी के साथ मैं भी फ्लैशबैक में चला गया। मैं डाउटे और चेडुले पांच ही क्रिसमस देखने के लिए आए हैं। वाई एम के इधर तो लाइटें ही लाइटें बे। ओ बड़ी बड़ी लाइटें, रंगी बिरंगी लाइटें। क्या बोलता है एमके, दिवाली के लिए जेब में डाल के ले जाए क्या? ओए भास्कर बिंटे, चोरी करेगा तू? गॉड के घर आया है, सजा मिलेगी तुझे। लेकिन एमके तू तो हॉस्टल में तेल चुराता था। बे माफ कर दे, सबको बताएगा क्या? उप, ये प्रतीक है, इसके बारे में मैं आपको बताना भूल ही गया। बिंटे तू बता। मैं क्या जी, इसका नाम ना प्रतीक है, मतलब हुआ करता था। ये मेरा हॉस्टल का दोस्त है। ये जब हॉस्टल में पहली बार आया ना, तो इसने शेड्यूल को चेडुले पड़ा और तब से ना मैं इसको चेडुले बुलाता हूँ। ए चेडुले। अबे बिंटे पागल है क्या, मरवाएगा तू? हॉस्टल में प्रतीक वो इकलौता बंदा है जो रोज नहाता था। मेरे बेड के ऊपर भाई का बेड था। वो कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, बस यही वो बंदा है। ओ एमके, वो वाला बंदा ना, वो केडुले बेड पे मग्गा और साबुन लेके सोता था। अबे पिंटे बस कर, अब आगे कुछ बोल रहा हूं तुझे वीडियो में आने नहीं दूंगा, समझा? सॉरी ब्रो। तमराज केलवे जैसे कर और खड़ा हो और बोल अंधेरा कायम रहे। कंटेंट 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 कंटेंट। दरअसल हम यहां क्रिसमस का मजा और केक खाने आए हैं। ओ एमके तूने तो कहा था कि हम बच्चिया चेक करने आए। पहली बड़ी बच्ची यार, बच्ची चेक। पिंटे मैंने तेरे से बात ही नहीं करनी अब। सॉरी बेब्स, नाचने का पैसा लेगी क्या? ऐसा नहीं तो वैसा लेगी क्या? थोड़ी लाइटें है, थोड़े चस्के ले, बच्चिया चेक कर, बकवास कर लो। एमके तू ना फुदू है। एमके फुदू। डाउटे इसके बाद कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो हमने सोचा उसके पहले एक साथ में मूवी देख लेते। साबुन सेठ की कुर्सी खिड़की कैलेंडर। लो जी आ गए हम। साथ में हमें सेठ भी ज्वाइन करेगा जो कि पहले से चंद्रपुर में है। ओए पिंटे मैं क्या सोच रहा था, अगर मैं लिफ्ट में ना ठुसकी मार दूं तो वो भी ऊपर आएगी क्या? बस कर यार पिंटे, छोड़ दे मेरा विचार। अबे नीचे किसने बुलाया? मुझे लगता है मेरी ठुसकी का वजन बढ़ गया। आय तो मी अजून किती दिवस भाव खात असत, वैताना का मी? तुम्ही कोणाले काय बोलायचं समजले नाही? तू स्वतःला मोठा भक्त म्हणवतस ना महाराजांचा, मग मला सांग महाराजांना रयतेचा राजा का म्हणतात हे माहिती आहे तुला? बे जंद्या इंटरव्ह्यू का देऊन आला दिले? समझ लो कि अब कुछ दिनों के लिए हम लोग नहीं मिलने वाले। डाउटे बाहर जा रहा है और सेठ चंद्रपुर में। बस मैं और पिंटे, हम दोनों ही साथ हैं, एक जिस्म दो जान। ओए इनके दोनों फुद्दू है, उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी बोलते हैं। हाँ हाँ जो भी हो, चल थोड़ा हम भी ब्रेक लेते। गाड़ी पर पीछे दोस्त ना हो तो घूमने का मजा भी नहीं आता। हाँ मतलब एमके मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। पिंटे तू नहीं बे, तू और मैं एक ही तो है। शाम को कॉल आया था, हॉस्टल का एक दोस्त चंद्रपुर आया है और मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। बॉन्ड, प्रतीक बॉन्ड, ये मेरे हॉस्टल से बड़े भाई है, मेरे हर कांड कर्मों के साथी। रात में हॉस्टल से भागकर पिक्चर देखने जाता तो ये मुझे रोकते थे और अगले दिन खुद पिक्चर देखने मेरे साथ भाग जाते थे।
सेन के बाद इन्होंने हॉस्टल छोड़ा और तकरीबन 5 सालों के बाद हम यहाँ मिल रहे हैं। OMK, तूने तो मुझे बताया था कि तुम दोनों साथ में तेल चुराया करते थे। पिंटे में तेरे यार के तो से तंग आ रहा हूँ यार, अगली बार ना मैं तेरे को वीडियो में लूंगा ही नहीं। MK का फुद्दू काटा। प्रतीक भाई को मैं हमेशा से बॉन्ड बुलाता हूँ, जेम्स बॉन्ड इनके चाचा है। यहाँ किसी गाड़ी के काम से आए थे और अब भी काम चल ही रहा है। काम होने तक दिन भर हम साथ थे, दिन भर बहुत सारी बातें हुई, हॉस्टल की यादें ताजा हुई। कैमरा में कैद नहीं कर पाए लेकिन हॉस्टल में हमारी कई कहानियां हैं। हर मुश्किल घड़ी में ये हमारे साथ थे। ग्रुप के और भी लोग हैं जिनसे अब तक मिलना नहीं हुआ है, पर यही तो होती है दोस्ती, एक वक्त के बाद सब अपने काम में लग जाते, लेकिन जब भी कभी मिलते दिल खोल कर मिलते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भी वक्त नहीं हुआ, सब जैसे का वैसा ही है। बस एक बात पता नहीं कि बॉन्ड की अब भी भूतों से फटती है या नहीं। हॉस्टल में सब बहुत अच्छे दोस्त थे, अब 7 साल साथ रहे तो गहरी दोस्ती होगी ना, लेकिन उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसे दोस्त फिर मिलेंगे। बट आई वॉज रॉन्ग। डाउटिया, टाकू, सेठ, पावलिया, बदक और दोनों कमांडर और भी कई बेहतरीन दोस्त मिले। तो अभी सारे काम हो गए, प्रतीक बॉन्ड से मिलना हो गया, उनको घर छोड़ना, मतलब उनको भी छोड़ दिया, बाय बोल दिया है, अब सफर है और हम तो मिलते। पता नहीं डाउटिया क्या कर रहा होगा। OMK तू ही बुद्धू है, डाउटिया तो गोवा में बच्चे चेक कर रहा होगा, और तू हो यार ये डाकू यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है ये कूली बन गया होगा। चुप पिंटे, इसे दोस्ती कहते हैं। डाकू है वो, तशरीफ दर्द कर रही होगी लेकिन फिर भी मदद करेगा। डाउटिया दरअसल गोवा जा रहा है और MK रामू की टपरी पे। पिंटे में गया हूँ गोवा, गया हूँ। स्कूल ट्रिप और सोलो ट्रिप में फर्क होता है MK, तू नहीं समझेगा। तेरे से बात करना ही बेकार है, चल आगे देख। परदेसी परदेसी जनो नहीं। ओ समोर चाय पा 40 बस 40 40 40 40 हे हे 40 राइट साइड सा माझी वर किया। उसे डांस हो जाए, उसे डांस हो जाए। देख पिंटे, मेरे दोस्त मुझे मिस करते हैं। हाँ अब तूने ही वीडियो बनाने के लिए बोला है तो वो इतना तो कर ही सकते हैं ना, आखिर है तो तेरे ही दोस्त। MK, मेरे को लगता है ना गाड़ी के स्पीकर खराब हो गए। ऐसा क्यों लगता है तुझे? वो जुकू जुकू वाला आवाज नहीं आ रहा। तुझे नाम क्या है? रवीन। लगता है ये डाउट है मेरा धंधा खा जाएगा। वैसे भी तुम लोग का बनाते हो, तुम तो ऑडियंस को पुद्दू बनाते हो। पुद्दू बनाते हो तू MK जुकू 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 बिच्ची निकली। देख पिंटे, डाउट है यहाँ रहने वाला है। ये हमारे स्टेक के एडी भाई। ये हमारे यश भाई। ये बाथरूम के ओनर है। बस ऐसे सीन में भाई नीचे मत बैठ जाना। ऐसे सीन में नीचे मत बैठ जाना भाई। बस ये हमारे भाई के कलेक्शन। और ये है उसके नए दोस्त। ओ तेरी, वहाँ कुत्ता भी है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी कमी भी तो पूरी होनी चाहिए ना। हे कुत्ता MK कुत्ता। नहीं ले जा रही, जा रही। कितना ही था? चल MK मेरे को बात बताओ। हाँ पूछ। ये रास्ता इतना सुना सुना क्यों लग रहा है? पता नहीं, क्योंकि दुकान बंद है। अबे कभी तो अच्छी बात है कि अगर जो को मारा हो। सालो साथ में आओ। ओहो अपना तेजस भैया जा रहे हैं यहाँ से। ये हमारे तेजस भैया। MK अपन जो बात है तो यहाँ पे नंगी बच्चियाँ थी, अब तो एक भी नहीं दिख रही। क्योंकि पिंटे बच्चियाँ आई ही नहीं। कैसा लगा जोक? तूने भी जोक मारा। MK खुद बनाता है, MK खुद बनाता है।
कहीं भी चले जाओ, कहानियाँ हमेशा चलती रहती है। दोस्तों के बीच में सिर्फ किलोमीटर का फासला हो सकता है, पर दिल का बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या गोवा और क्या राजूरा। ओ बंदी छे, ओ मतलब वीडियो का टाइटल रखना है तो कुछ भी बोलेगा फिंटे तू। कई दिन हो गए और डाउटे डार्लिंग वापस आ रहा है। रात के 4 बजे और जानवर की ठंड है, और मैं उसे स्टेशन पे लेने जा रहा हूँ। तो देखो भाई, जैसी भी हो ये हमारी कहानी है। यहाँ ना कोई शाहरुख है और ना ही कोई सलमान। जैसे भी इस कहानी के हम ही हीरो हैं। हर किसी के दोस्त होते हैं, वो दोस्त जो हर जरूरत के वक्त आपके साथ खड़े होते हैं, हर बकलोली में आपका साथ देते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत कूल हैं, पूरी दुनिया हमें चाहती है, पर नहीं, कुछ लोग ही होते हैं जो आपको चाहते हैं, आपके हर कमी के बावजूद आपसे प्यार करते हैं। सो इफ यू गॉट सच फ्रेंड देन डोंट लूज देम। हमारा राजूरा, यहाँ दो टाइप के लोग रहते हैं, एक अपने काम में पड़े रहते हैं और दूसरे रामू की टपरी पे। और हम आपको तो पता ही होगा पिंटिया क्या थे बोले, और जी हर खाने वाले के पेट होते हैं और जिनका कोई नहीं होता उनका सेट होते हैं। एम के लॉग आउट।